हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 36 लेकर आई हूँ बच्चों, जिसमें कि आपको ओजोन परत के बारे में यानी कि विश्व ओजोन दिवस के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इन्होंने दे रखा है वर्कशीट में और आपको ये जगह दे रखी है, विश्व ओजोन दिवस की पिक्चर बना के दे रखी है। आपको इस पर अनुच्छेद किस तरह से लिखना है, तो शुरू करती हूँ मैं। ओजोन के ऊपर अनुच्छेद, ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है क्योंकि यह एक तरह का सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित यह परत बहुत पतली है जो सूर्य की हानिकारक पैरा बैंगनी किरणों को धरती पर पहुँचने नहीं देती। पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो वातावरण, जीव जंतु और पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ये गंधयुक्त गैस है जो हल्के नीले रंग की है। ओजोन का 90% भाग समताप मंडल में है जबकि उनसे नीचे शोभ मंडल में इसका केवल 10% भाग पाया जाता है। यह वाला भाग हानिकारक है क्योंकि यह वायु प्रदूषण का कारण बनता है, परंतु इसके ऊपर वाला समताप मंडल वाला ओजोन का हिस्सा धरती पर जीवन की रक्षा करता है। 1913 में फ्रांस के फिजिसिस्ट फैब्री चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने ओजोन परत की खोज की थी। ऐसे बनती है ओजोन, यह ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। ऑक्सीजन में जब 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ओजोन बनाते हैं। यह परमाणु सूरज से निकलने वाली पैरा बैंगनी किरणों के कारण बनती है। जब ये किरणें ऑक्सीजन से के अणु पर पड़ती हैं तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का को अलग कर देती हैं। इसके अलग होने पर यह ऑक्सीजन के दूसरे अणु से मिल जाते हैं और मिलकर ओजोन बनाती है। इस तरह करती है रक्षा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी सहित सभी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह मनुष्य और जीव जंतु को इन किरणों की वजह से होने वाले खतरनाक बीमारी से बचाती है। यह परत फसलों को नुकसान भी से भी बचाती है। यह पृथ्वी से के वायुमंडल के तापमान को नियंत्रण रखने में सहायक है। ठीक है बच्चों, ये था ओजोन परत के ऊपर अनुच्छेद। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।